फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी कुक एंड ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये रेमेडी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके स्किन टैन सन टैन को रिमूव करेगा और आपके डलनेस की प्रॉब्लम को भी ये डलनेस की प्रॉब्लम में ये फायदेमंद है। अपने एक्ने पिंपल को भी कम करेगा। सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में भी हमारे स्किन में सन टैन हो जाती है, जो पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि हम ध्यान नहीं दे पाते, जो कि अगर हम ज़्यादा देर सर्दियों में धूप में रहते हैं तो हमारे स्किन में सन टैन की समस्या हो जाती है। जो कि मैं आज जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये आपके किचन के सामानों से है, यूजली सबके घर में ये उपलब्ध रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे और नए नए वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती। आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, इनके बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले मैं इनके बेनिफिट के बारे में बताती हूँ, साथ साथ मैं इसे इस्तेमाल भी करूंगी कि ये कैसे हमें करना है। तो इसके लिए मैंने एक ले लिए हैं टमेटो में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे स्किन के सन टैन को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी फायदेमंद। अब जो दूसरा चीज़ मैं इसमें मिलाऊँगी वो है, इसमें जो डालना है ये क्या है, ये है पीसी हुई चीनी, यानी शुगर पाउडर मैंने इसमें मिलाया है। मैं ये दरदरी शुगर इसमें, मोटी वाली शुगर इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम, हमारे स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं सर्दियों में, जिसे ज़्यादा अगर इसे मैं करूँगी तो ये हमारे स्किन को हरासमेंट पहुँचा सकता है। अब जो चीनी जो है हमारे स्किन को एक्सपोलिएट करता है, हमारे स्किन के डलनेस की समस्या को भी दूर करता है, हमारे ब्लैक हैंड्स वाइट हैंड को रिमूव करता है। इसके लिए मैं, अगर आप टमाटर और चीनी के से चेहरे की मालिश करते हैं, स्क्रब करते हैं, तो हमारे पीएच लेवल में भी काफ़ी सुधार होता है और हमारे स्किन के कालेपन, ये डार्क स्पॉट को भी कम करता है। और अगर आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन काफ़ी निखार आ जाता है, हमारे स्किन में ये टेनिंग और पिगमेंटेशन की समस्या को भी दूर करेगा। अगर आप इसे ज़्यादा, मैंने इसमें चीनी ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, इसे थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के बस दो से थोड़ी देर इसे चलाना है ग्राइंडर में। और ज़्यादा दरदरी अगर हम देते तो हमारे स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो कुछ सोच समझ के ही एक्सपेरिमेंट करके करें, यानी कि डायरेक्ट हमें स्किन में करना है। तो इसे अच्छी तरह से, टमाटर में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, इसे हमारे स्किन के सारे डेड स्किन को रिमूव कर देगा। इसे अपने फेस पे 10 से 15 मिनट तक रहने दे, इसे कम से कम 5 मिनट तक आपको अपने स्किन में इसे स्क्रब करना है। अगर आपको दरदरी चीनी, ज़्यादा मोटी चीनी से आपको करने की इच्छा तो आप कर सकते हैं, पर मुझे ये कुछ ज़्यादा ही अनइफेक्टेड लगा, इसलिए मैं इसे चीनी को हल्की उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली, तभी मैं इस्तेमाल की हूँ। तो आपको अगर ज़्यादा मोटी चीनी का इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं। तो आप इसे अपने स्किन में 10 से 15 मिनट तक रहने देंगे, अगर अपने हाथों से थोड़ा सा इसे मसाज कर लेंगे, मैंने पहले कई, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अगर आप सर्दी का मौसम है, हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाना चाहें या आपके पास मॉइस्चराइज़र है या पतंजलि का एलोवेरा जेल है, फ्रेश एलोवेरा जेल है, तो आप अपनी स्किन में लगा सकते हैं। तो अभी इसके बेनिफिट के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसे काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर आपके स्किन में पिम्पल्स बहुत ज़्यादा है और टैनी बम है, तो पिंपल्स एक्ने बहुत ज़्यादा है, तो आप टमेटो का इस्तेमाल नहीं करें, इससे आपको और ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं। और स्क्रब भी उस समय नहीं करना चाहिए जब आपके स्किन में ज़्यादा दाने हो गए हैं, पिगमेंट के जो हो जाते हैं हमारे स्किन में, जिसे पिंपल्स बोला जाता है, जो कि उसे पस निकलता है, तो इससे आपको उस समय टमेटो का इस्तेमाल और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपके स्किन में, क्योंकि अगर आप इसे करते हैं तो और ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट आपके स्किन में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक सब्सक्राइब लाइक करते हुए जाइएगा, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलता है अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते, एक लाइक कर देते। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।